रामलीला मैदान में आज जन आक्रोश सभा में उपस्थित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे कर्नल सांसद माननीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, आदरणीय श्रीमती शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, आदरणीय श्री दिया कुमारी जी जो हमारी जयपुर की, हमारा तो मतलब पारिवारिक रूप से हम जयपुर में रहने वाले जो लोग हैं उनके वो एक तरह से सब कुछ हैं, और उनका और उनके परिवार का जो जयपुर और सनातन संस्कृति में जो योगदान रहा है, योगदान के लिए अब जो वो सांसद के रूप में कार्य कर रही हैं उनके लिए वो यहाँ उपस्थित हैं। भाई मनीष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, लगातार काम करते रहते हैं, हमारे मित्र भी हैं और वो है पार्टी के सभी पदाधिकारी। बानसूर में महेंद्र जी, देवी सिंह जी, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ कि सबको आप जानते ही हो। मैं लगातार इन जन आक्रोश रैलियों में घूम रहा हूँ। भाई ये थोड़ी आवाज़ कम कर लो। 1972 में सबसे पहले गाजियाबाद में जनसंघ की यूथ वीक मणि थी, युवा संघ, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था। तब से लेकर आज तक मुझे 50 साल हो गए। 50 साल में मैंने किसी राजनीतिक दल को आज तक चुनाव के एक साल पहले राजस्थान की सभी 40,000 गांवों तक यात्रा को पहुंचाना और जन आक्रोश सभाओं को करना यह राजनीतिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे याद है 31 दिसंबर 1980 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने शिवाजी पार्क में उनकी सभा हुई, और शिवाजी पार्क की सभा के अंत में उन्होंने 3 वाक्य बोले थे। शिवाजी पार्क की सभा के अंत में उन्होंने 3 वाक्य बोले थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये कमल उनके कार्यकाल में ही भारत में खिला, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में G20 का भारत अध्यक्ष बनकर उसका चिन्ह भी कमल है। अब यह कमल सारी दुनिया में खिल गया है, ये उनकी भविष्यवाणी थी। अब ये रैली, ये सभाएं 2 काम के लिए हो रही। पहला काम कि कांग्रेस सरकार ने 4 साल में काम किया वो बताएं, दूसरा काम मोदी जी ने क्या काम किया वो बताएं। अब पहले काम के लिए तो बताने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है कि आप लोग भुक्तभोगी हो, और मैं दोनों के उनके द्वारा बोले हुए वाक्य आपको बता देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पायलट साहब उप मुख्यमंत्री थे, पायलट साहब अध्यक्ष भी थे, दोनों में तनातनी शुरू से चल रही थी। अब पायलट साहब के लिए अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि ये पायलट तो नकारा है, ये पायलट तो नालायक है, ये पायलट तो निकम्मा है, ये पायलट तो गद्दार है। ये कौन बोल रहे हैं? अशोक गहलोत बोल रहे हैं। और पायलट साहब क्या बोल रहे हैं? अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री होते हुए कांग्रेस पार्टी को 21 में ला दिया था, गर्त में डुबो दिया था, अब इसको मुख्यमंत्री रखोगे तो फिर वो 21 सीट आएगी। तो राजेंद्र गुड़ा बोलते, नहीं आप गलत कह रहे हो, 21 नहीं आएगी, 1 फॉर्चून में जाने जितनी आएगी। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं, हमने पायलट साहब को कोई अपशब्द नहीं कहे, हमने गहलोत साहब को नहीं कहे, लेकिन इन दोनों ने जो एक दूसरे को सर्टिफिकेट दिए हैं, अगर उन सर्टिफिकेट को इनको बांट दिया जाए कि पायलट साहब ये तो आप लो, अशोक गहलोत जी ने आपको दिया है, और गहलोत साहब ये लो आपको पायलट ने दिया है, तो फिर क्या होगा? अब फिर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही अगर संपत्ति है, नकारापन ही अगर संपत्ति है,
अगर नालायकी संपत्ति है, अगर गद्दारी संपत्ति है, अगर निकम्मापन ही संपत्ति है, तो इस संपत्ति को लेकर जाओगे तो राजस्थान की जनता नालायकों को, नक्कारों को और गद्दारों को क्यों चुनेगी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये उनके सर्टिफिकेट। फिर राजस्थान में सरकार बनी और सरकार में लड़ाई हुई, और लड़ाई भी चालू है। अपने यहां कहावत है कि खोदों की लड़ाई में, मतलब सांडों की लड़ाई में, जाड़ों का नाश होता है। तो लड़ाई तो दोनों की हुई और नाश जनता का हुआ। अब वो कैसा कैसा नाश हुआ, आदरणीय दया कुमार जी ने अभी आपने कानून व्यवस्था के बारे में बताया। क्या स्थिति है राजस्थान में? महिलाओं का सम्मान करने वाला प्रांत, जौहर की ज्वाला में जलने वाली पद्मिनियों का राज, उस राज में रोज 7-17 रेप होते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई करती है, शर्म के नायक सरकार है, इतना कानून व्यवस्था खड़ा। और इसके आगे चलो, हर चीज में लीक, टैक्स में लीक, हर काम में लीक, पेपर में लीक। और पेपर में कितनी लीक हुई, जब रीट में लीक हुई, वनपाल में लीक हुई, पेपर आउट और पेपर लीक, अगर कोई पानीदार सरकार होती तो इस पेपर लीक के मामले में इस्तीफा देकर चली जाती। लेकिन सरकार के संरक्षण में हो रहा है। हमने आरोप लगाया था रीट के टाइम पर कि ये सारा जो काम हो रहा है वो काम केवल कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, जब तक ऊपर का संरक्षण नहीं है तब तक ये काम नहीं हो सकता। इन सारे पेपर आउट में 80 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खराब हुआ है और करोड़ों उनके माता पिता का भविष्य खराब हुआ है। उसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है, उसके मंत्री जिम्मेदार है, उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है ये काम। अब भ्रष्टाचार की बात कर, कोई कह रहा था इस चीज में भ्रष्टाचार है, कोई चीज कह रहा इस चीज में भ्रष्टाचार है। कभी कहते बाबू को पकड़ लिया, कभी कहते उसको पकड़ लिया। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद है, भ्रष्टाचार की चर्चा चल रही तो कुंभकर्ण रावण का भाई 6 महीने से उठता था, तो एक बार वो उठ गया, 6 महीने से उठा तो उसके दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। तो उसने अपने भाई से कहा, भाई एक जरा किसी को बुलाओ बाल काटने वाले। तो बाल काटने वाला आ गया, तो बाल काटने वाला जब बाल काट रहा था तो कुंभकर्ण को उबासी आ गई, उबासी आ गई तो वो उस तरह उसके पेट में चला गया। अब बाल काटने वाले ने कहा, कमा कर क्या खाऊंगा, तो खा गया इसको। तो उसने फिर उबासी ली तो वो खुद बाल काटने वाला अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर घूमने लगा, उसमें भ्रष्टाचार को ढूंढ रहा था ना, तो घूमने लगा। घूमते घूमते उसको कोई बांसुर का पुराना आदमी किसान मिल गया। उसने पूछा, अरे भाई बाल काटने वाले जी, आप यहाँ कैसे घूम रहे हो? बोले, आप कैसे घूम रहे हो? बोले, मेरा उस्तरा खो गया, उसको ढूंढ रहा हूँ। अरे बोले, 6 महीने से मैं मेरी भैंस को ढूंढ रहा हूँ, वो ही नहीं मिली। तो इनका भ्रष्टाचार कहाँ ढूंढोगे, ये उस्तरा नहीं खाते, पूरी की पूरी भैंस खाते हैं। तो ये सारा सूबेदारी इन्होंने कायम की। मैंने उदाहरण क्यों दिया, इन्होंने कायम की कि मिनिस्टर कौन है, बोले ये मिनिस्टर है बांसुर का, ये मिनिस्टर है वहां का, ये एमएलए वहां का, ये एमएलए वहां, इनको सूबेदार बना दिया कि बोलो भाई तुम किसको एसडीएम चाहते हो, उसको एसडीएम लगा दिया। तुम किसको थानेदार चाहते हो, उसको थानेदार लगा दिया। तुम किसको डीएसपी चाहते हो, डीएसपी लगा दिया। किसको गिरदार चाहते हो, गिरदार लगा दिया। चौकीदार किसको चाहते हो वो बताओ, तो चौकीदार लगा दिया। चपरासी से लेकर ऊपर तक सारे लगा दिए। अब लगा दिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखो मेरी सरकार का पाया नहीं हिलना चाहिए। बोले, पाया नहीं हिलना चाहिए तो हमारा पाया मजबूत रहना चाहिए। तो बोले, आपका पाया मजबूत कैसा होगा? बोलो, टका धर्मम टका कर्मम, ये पैसा आएगा तब होगा। बोलो, पैसे के लिए मैंने तुमको दे दिए, एक नहीं 2-4-5 जितने अफसर मांगे थे वो सारे अफसर दे दिए, इसलिए तुम इनसे कमाओ खाओ और मुझे पक्का रखो। तो सारे मंत्रियों ने, सारे एमएलए ने
अफसरों के माध्यम से मैंने की बंदी बांधकर भ्रष्टाचार के गर्त में राजस्थान को डुबो दिया और राजस्थान में सूबेदारी प्रथा कायम कर दी। ये सबसे बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार आज तक में, चाहे जो मिलाओ इनका सब गुना माफ, मंत्रियों का सब कुछ माफ और मंत्रियों का फिर संरक्षण। ऐसे वर्गों को मिल गया, ऐसे लोगों को मिल गया जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, उन सारे तत्वों को मंत्रियों का और एमएलए का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसलिए सारा काम इनके संरक्षण में चल रहा है। फिर सरकार घोषणाएं करती, गहलोत साहब रोज घोषणाएं करते, गहलोत साहब कह रहे थे कि यह पहली बार सरकार है जब चार साल में सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल सब सही कर रहे हो, चार साल में सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं, सरकार को हटाने के लिए आंधी चल रही है। आंधी, जिस आंधी को अपन इस मैदान में, रामलीला मैदान में देख रहे हैं, ये आंधी चल रही है, ये आंधी है, ये आंधी है। तो ये आंधी चल रही है। अब घोषणा करते हैं, मैं ये खोल दूंगा। मैं गया था कल डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में, बोले साहब स्कूल खोल दी, मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल खोलने की घोषणा कर दी, डॉक्टर नहीं है, वो करने की घोषणा कर दी, वो नहीं है। मैंने कहा भैया घोषणा करने वाले, वदामी न ददामी, संस्कृत में एक बात आता है वदामी।